नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे मैंने बताया कौन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन नीचे देखते हैं क्या लिखा है, हु देन वेयर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का उसका हु देन वेयर मतलब कौन कौन मेकर्स थे। हु विल फाइंड हियर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ समवन सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर कुछ स्केचेस दिए हुए हैं जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी होंगी ये सारे फोटोज। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाई एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ठीक है, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने किया था। सो द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो डॉक्यूमेंट था जिसको ड्राफ्ट किया था उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वॉज डन बाई एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और उसको जो ड्राफ्ट किया था वो किसने किया था, बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो लीडर्स होते हैं उन्होंने मतलब वो कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुने थे और वो लोग ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते थे और वो भी अलग अलग रीजन से लिए गए थे। और वो लोगों को हम क्या कहते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते थे। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम कहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड इन 1946। अब उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ वो हुआ था 1946 में जुलाई में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन डिसम्बर 1946, मतलब उसके 5-6 महीने बाद एक मीटिंग हुई थी वो भी डिसम्बर 1946 में। एंड सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसके बाद क्या होगा, डिसम्बर 1946 के बाद जो इंडिया और पाकिस्तान था वो पार्टीशन में मतलब बट गया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली बात है जो कॉन्स्टिट्यूएंट ये लोग बना रहे थे इंडिया पाकिस्तान के लिए इक्वल, अब वो तो पार्टीशन के बाद क्या होगा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो जाएगा, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूएंट अलग हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। और जो ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो लिखा गया था 299 मेंबर्स द्वारा, ठीक है, लेकिन जब पार्टीशन नहीं हुआ था उसके पहले आई थिंक 389 जितने मेंबर्स थे, जो पार्टीशन नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान का उसके पहले आई थिंक 389 जितने मेंबर्स थे, लेकिन जो पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का तो पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे तो वो तो चले गए पाकिस्तान की साइड, तो वो मतलब 90-100 जितने यहाँ से माइनस होकर हमारे पास कितने मेंबर्स थे इंडिया के, 299 मेंबर्स थे जिन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा था। द असेंबली अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, बट इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। ये खास इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, वो एडोप्ट कब हुआ, तो याद रखना 26 नवंबर 1949, तब उसको एडोप्ट किया गया था। और उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, मतलब उसको इफेक्ट में कब लाया गया, तो 26 जनवरी 1950। ये क्लियर रखना, ये वन मार्क्स में आ सकता है शायद। एडोप्टेड तो 26 नवंबर 1949 एंड इफेक्ट या इम्प्लीमेंटेड तो 26 जनवरी 1950। ये चीज़ याद रखना, वन मार्क्स में आ सकती है। एंड टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26th एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। और इसीलिए हम जो है वो 26 जनवरी हर रिपब्लिक डे पे उसको सेलिब्रेट करते हैं। देन व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 decades ago। अब हम तो जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज से मतलब 70 साल पहले मतलब पुराना है। एंड वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबव, और हमने मतलब एक जो रीजन है वो कुछ हमने नोटिस किया हुआ है, क्या है वो देखते हैं आगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन, इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश बिकॉज द बेसिक रूल्स वेर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ एक और चीज़ यहाँ पर कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी भी कोई ज्वाइंट हो रहा है, ओके, देन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो मतलब अलग अलग रीजियन से सबको बुलाया गया था, इंडिया के अलग अलग स्टेट से मतलब सबको बुलाया गया था, अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ पर बुलाए गए थे, और ये सब ने मिलकर अपनी जो परेशानी होती थी ये सब मतलब डिबेट करके ये सब करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा क्लियर किया।
और लिखने में भी क्या हुआ कि कई सालों तक उन्होंने डिबेट की, तब जाके उसको इम्प्लीमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक बार उसको लिख दिया, फिर हमने उसके अंदर कभी भी मतलब छेड़खानी नहीं की, उसको एज इट इज़ रहने दिया है। और अगर हम देखने जाए तो नेपाल, तो नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब कभी कभार चेंज होता रहता है, कुछ नया अंदर ऐड करते रहते हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी ऐसा नहीं है। ठीक है, जो ये लोगों ने लिखा हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। देन इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेरी पीस ऑफ पेपर। और दूसरे कंट्रीज में क्या है कि उसको सिर्फ एक पेपर के तौर पे उसको मानते हैं, नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, और उसको कोई मतलब फॉलोज भी नहीं कर रहा होता है। द एक्सपीरियंस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। और हमारा जो मैंने अभी बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब सबसे अलग है। ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन्ड सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन्ड द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। यहाँ पर एक वर्ड है लेजिटिमेसी, LEGITIMACY। लेजिटिमेसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है, उसे हम कहते हैं लेजिटिमेसी, राइट। तो हमारा कंट्री भी एक ऐसा ही है जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया वो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और मतलब किसी को भी मतलब उससे कोई परेशानी नहीं है। जो भी कोई बड़ा सोशल ग्रुप हो, ठीक है, कोई भी रेशियल हो, कोई भी कास्ट वगैरह हो, सब ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से माना है, और मतलब सालों से ये मतलब हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। और मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को इतना आसानी से एक्सेप्ट करना। द सेकंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो मतलब रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। देर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज एट दैट टाइम। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये याद रखना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब उस टाइम पर कोई वोटिंग सिस्टम थी नहीं। इसका मतलब ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब उस टाइम पे कोई वोटिंग सिस्टम नहीं थी। तो मैंने अभी क्या बताया कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो क्या करते थे, उन्होंने अपने स्टेट में गवर्नमेंट बनाने को ऑर्डर दे दिया सबको कि भाई आप आपके स्टेट में गवर्नमेंट बना सकते हो। तो कोई भी एक लीडर बन जाता है अपने मतलब ग्रुप के हिसाब से, और वो मतलब लोगों को फिर चुनता है वहाँ पर। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजनल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशनड अबव। अब जैसे मैंने अभी बताया कि जो लीडर होता था वो क्या करता था, उसके नीचे कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे अलग रिलीजन अलग कास्ट, वो सभी लोगों को उसने मतलब वहाँ से चूज किया अपने अपने रीजियन से, राइट, और फिर वो सबने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। दिस इंश्योर्ड अ फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजियंस ऑफ द कंट्री। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है, फेयर जियोग्राफिकल बताता है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो हर एक रीजियन से मतलब यहाँ पर लोग आए थे, इकट्ठा हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मतलब 299 मेंबर्स, कोई कम नहीं थे। ठीक है, तो ये सब ने मिलाकर अपने अपने राय वगैरह सब दिए, एंड देन आफ्टर वी गेट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ यहाँ पर है। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। और उस टाइम पे तो सिर्फ एक ही पार्टी चल रही थी हमारे इंडिया में, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने मतलब हमारी जो आज़ादी चल रही थी ब्रिटिशर्स के सामने, उसके सामने में मतलब बहुत सारा स्ट्रगल किया था। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट अग्री विद द कांग्रेस इन सोशल टर्म्स टू। और मतलब कुछ ऐसे लोग भी थे जो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को मतलब सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, वो उनका अपोज भी करते जा रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, ऑपोजिशन में कोई तो होना चाहिए। तो ये चीज़ें उनके साथ होती है कांग्रेस के साथ। और जो अगर मान लो कोई सोशल टर्म्स है, कोई फंक्शंस वगैरह होता है, तो वहाँ पर भी मतलब ऊपर नीचे हो जाता था थोड़ा बहुत। द असेंबली रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप कास्ट क्लासेस रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन। फिर क्या था कि अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना था,
तो फिर क्या किया गया कि जो भी मैंने बताया कि अलग अलग ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन, सभी लोगों को अलग अलग मतलब चुना गया, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इट्स कॉम्पोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। अगर मान लो किसी, अगर इलेक्शन होकर मतलब जैसे कि अगर कोई वोट देता, ठीक है, और वोट देने के बाद अगर कोई किसी को चुनता कि भाई आप जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, तो वो मतलब इतना आसान नहीं होता जैसा जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटिविटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमेटिक, ओपन एंड कॉन्सेंशुअल मैनर। अब जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मतलब एक अच्छे मैनर में चल रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इन्होंने अंदर काफ़ी सारा वर्क वगैरह किया था, उन्होंने अपनी तन तोड़ मेहनत लगा दी थी, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, वो मतलब एकदम सिस्टमेटिक मैनर से चल रहा है, वो एकदम ओपन है, कॉन्सेंशुअल मैनर में चल रहा है, ठीक है, और हर कोई उसको फॉलो कर रहा है। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वेर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। अब देखो क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बारी आती है, मोतीलाल नेहरू ने जो किया था वो तो एक ड्राफ्ट था, ठीक है, कच्चा चिट्ठा था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बारी आई तो उसके लिए जो चेयरपर्सन होता है, वो चेयरपर्सन कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने फिर एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, मतलब उन्होंने एक दूसरा ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। एंड सेवरल राउंड्स ऑफ थरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट डिस्कशन क्लॉज बाय क्लॉज। और जब ये ड्राफ्ट बनाया गया डिस्कशन के लिए, उसके बाद कई सारे डिबेट हुए, ठीक है, कई सारे डिस्कशन हुए ये ड्राफ्ट के खिलाफ, और वो भी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स मतलब लॉज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वेयर कंसिडर्ड। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज, और जो डेलिब्रेशन हुआ, जो डिस्कशन हुआ था, वो मतलब 114 डेज तक मतलब चला, वो भी 3 सालों तक फिर आगे कंटिन्यू होता रहा था। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जो वर्ड्स मतलब बोले गए थे, जो जो वर्ड्स लिखे गए थे, उनको मतलब रिकॉर्ड भी किया गया है उनको, और संभाल के भी रखा गया है। रिकॉर्ड मतलब कोई टैप वगैरह में नहीं, ऑन पेपर, ऑन पेपर उसको रिकॉर्ड किया गया है और उसको प्रिजर्व करके रखा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। और इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। डिबेट्स मतलब एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना। When printed, these debates are 12 bulky volume. और जब मतलब ये debates हुई तो उसके मतलब अलग अलग 12 bulky volumes मतलब बाहर आए थे। bulky मतलब एकदम heavy volumes, एकदम भारी किताबें एकदम बाहर आई थी, वो भी 12 types की वो books से थी। These debates provide the rationale behind every provisions of the constitution. These are used to interpret the meaning of the constitution. और मतलब हमें ये जो वॉल्यूम्स थे, जो 12 बल्कि वॉल्यूम्स थे, उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब एकदम आसानी से नहीं बन गया था, उसको मतलब सबको ध्यान में रखा गया था, ठीक है, किसी को भी इंटरप्रेट नहीं किया गया था। और इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। इज इट क्लियर अप टू हियर? ओके, देन नेक्स्ट वी हैव गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, तो उसके लिए कुछ गाइडिंग वैल्यूज भी होनी चाहिए। कोई गाइड वगैरह करता होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी कितनी वैल्यूज कोई करता होगा, तो ये सारी चीजें है ये टॉपिक में, ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। चलो अब कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पर। इफ इज इट सो वी विल फिनिश दिस चैप्टर बाय टूडे इटसेल्फ, ओनली 1 मिनट। Now, guiding values of the Indian Constitution. In this book, we shall study the exact provisions of the Constitution on different subjects.
एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलोसॉफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अबाउट। तो अभी हम जो ये पढ़ेंगे आगे थोड़ा गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब व्हाट इज ऑल अबाउट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, किसके बारे में है, ये सब हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, और लोगों की मतलब फिलोसॉफी क्या क्या थी उसको लेकर, ये सब हम देखने वाले हैं। वी कैन डू दिस इन टू वेज, और हम जो है उसको दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज ये है कि हम किसी लीडर को मतलब रीड कर सकते हैं जिन्होंने मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, एक ये चीज़ है। बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलोसॉफी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी रीड करें ना तो भी एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज, और यही चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, इसी का मतलब एक रीज़न है जो लीडर्स वगैरह थे वो सब ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो सबके लिए इक्वली हो, राइट, ये सब था। देन लेट अस टर्न टू दिस वन ऑफ माय वन, अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी। अब देखो यहाँ पर स्केच सबको दिख रहे होंगे, यहाँ पर सबके फोटो है, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद है, जयपाल सिंह है, एच सी मुखर्जी है, लेकिन यहाँ पर गांधी जी का फोटो नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो है महात्मा गांधी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी का मतलब स्केच पूरे बुक में नहीं है। ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, ही वॉज द फादर ऑफ नेशन, बट इवन दो वो है मतलब ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो मतलब उनका कोई रोल नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। येट देर वेर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन, लेकिन जो कुछ दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मतलब उनको पता था कि जो गांधी जी हैं उनका विजन क्या था, ठीक है। ईयर्स अगो राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, और कई साल मतलब कई सालों तक उन्होंने किताब लिखी थी जो बुक का नाम था यंग इंडिया, जो 1931 में उन्होंने बाहर पब्लिश की। ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू, और वो चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करे, तो इसका कुछ यहाँ पर एक शॉर्ट मैसेज दिया हुआ है, देखो। आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेल्डन एंड पेट्रोनेज। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज देयर कंट्री इन विच मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस, एंड इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल, एंड इंडियन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हारमोनी। मतलब महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, ठीक है, अगर कोई गरीब है तो उसको मतलब सबके साथ इक्वल राइट मिलने चाहिए, और हमारा जो इंडिया है वो मतलब एक परफेक्ट हारमोनी के साथ सबके साथ मिलकर रहे। देर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी और द कर्स ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। और गांधी जी ये भी चाहते थे कि पहले अगर आपको पता हो तो छुआछूत का पूरा सिस्टम चल रहा होता था, ठीक है, अगर कोई लो कास्ट का है तो उसको छूना नहीं है, ये वो। तो गांधी जी ने ये भी कहा कि हमारे कंट्री में जो अनटचेबिलिटी का जो सिस्टम है, ठीक है, जिसको मतलब माना जाता है कर्स है, ठीक है, तो ये सब भी मतलब बंद हो जाएगा। वुमेन विल एन्जॉय द सेम राइट्स एज मैन, और जो वुमेन है वो भी मतलब इक्वल राइट पे इक्वल राइट लेगी एज अ मैन के जैसा। एंड आई शैल बी सेटिस्फाइड विथ नथिंग एल्स, और वो गांधी जी कहते कि मुझे बस यही चाहिए, उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, एंड आई विल बी सेटिस्फाइड विथ दिस ओनली। तो ये चीज़ें महात्मा गांधी जी ने कही थी उनकी बुक में यंग इंडिया में, जो 1931 में पब्लिश हुई थी बार। दिस ड्रीम ऑफ इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वॉज शेयर्ड बाई डॉक्टर आम्बेडकर। ओके, वन मिनट मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, वन मिनट। नाउ आई एम ध्यान पटेल, ध्यान पटेल, डिड यू ज्वाइन नाउ? ओके, इट इज हाफ एन आवर पास्ट। देन वेयर वॉज आई,
कहाँ था मैं, स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? ओके, कौन चिल्ला रही है? वेद पटेल चिल्लाना बंद कर, आवाज आ रही है तेरी। हाँ ओके, दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर आम्बेडकर। अब हमारे इंडिया में जो इनइक्वालिटी पहले चल रहा था, ठीक है, हाई क्लास लो क्लास ये सब के लिए, जो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर थे उन्होंने मतलब पहल की और ही प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनका सबसे बड़ा अहम रोल था डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का। एंड ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव, और वो मतलब जानते थे कि जो इनइक्वालिटीज है इंडिया में वो मतलब कैसे रिमूव की जा सकती है। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन, और कई बार ये भी होता कि उनके विचार और महात्मा गांधी जी के विचार कभी भी मतलब मैच नहीं होते थे, उनके जो विजन थे वो भी कभी मैच नहीं होते थे, दे बोथ वेयर बिटरली क्रिटिसाइज, मतलब एक दूसरे के टक्कर में थे। इन दिस कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्टेटेड हिज एंग्जाइटी वेरी क्लियरली। अब यहाँ पर एक और स्पीच यहाँ पर दी गई है कि ऑन द, ये किसकी स्पीच है, ये इनकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, ऑन द 26th of January 1950 वी आर गोइंग टू एंटर लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी, इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। अब ये भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि अभी तक हम जो इनइक्वालिटी फेस कर रहे थे, ठीक है, अब वो सब मतलब दूर हो जाएगा और जो भी मतलब है सब इक्वालिटी की तरह मतलब यहाँ पर चलेगा, चाहे वो सोशल हो या इकोनॉमिक लाइफ हो, ठीक है, अब कोई इनइक्वालिटी। ओके, उनका कहना है कि मतलब अब कोई भी इनइक्वालिटी नहीं चलेगी, सब मतलब इक्वल होंगे, चाहे वो सोशली हो या इकोनॉमिक हो, ठीक है, और यहाँ पर अब क्या होगा कि वन मैन वन वोट वन वैल्यू चलेगा। इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ अवर सोशल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन मैन वैल्यू। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, इफ यू कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग वी विल डू सो ओनली बाई पुटिंग अवर पोलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। वो कहते हैं अम्बेडकर की अगर आपको आपकी जो इनइक्वालिटी अभी आपको जो फेस करनी पड़ रही है, आपको कुछ इक्वल राइट नहीं मिल रहे, सोशली गिन लो या इकोनॉमिकली गिन लो, वो कहते हैं कि ये सब तभी दूर होगा जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके साथ रहेगा, ठीक है, आपको कोई तरह की मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें वो जो है मतलब ये पूरी स्पीच में यहाँ पर बता रहे होते हैं। फाइनली लेट अस लर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 15th August 1947। तो जवाहरलाल नेहरू ने 15th August 1947 में एक स्पीच दी थी, वो स्पीच यहाँ पर दी गई है। एंड नाउ आई विश कि ये जो स्पीच है वो तुम खुद रीड करो और मुझे बता देना व्हेन एवर आई आस्क। तो ये स्पीच जो है वो तुम्हारे लिए है होमवर्क में। इज इट क्लियर, ही हो जाएगी स्पीच कि नहीं? देन नेक्स्ट देखते हैं, फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी क्या होती है देख लेते हैं। Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the foundation of India's democracy. अब हम जानते हैं कि हमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिला है उसमें कई सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स ने मतलब ज्वाइन किया था, उसमें कई सारी दिक्कतें आई थी, एंड लास्टली देन आफ्टर वी गेट अवर इंडियाज डेमोक्रेसी, और उसके बाद हमारा इंडिया जो है वो मतलब एक डेमोक्रेटिक देश बना था। दिस वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मतलब ये सारी चीज़ें जो है उसको मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब उसको प्रीएम्बल किया गया, मतलब उसको रखा गया है। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड अ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल। मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रीएम्बल। अब जैसे कि
तुम्हारी कोई टेक्स्ट बुक होगी ना, उसके आगे एक शॉर्ट पैसेज रहता है, प्रीएम्बल लिखा होगा शायद, कभी पढ़ना। तुम्हारी टेक्स्ट बुक पे कोई टेक्स्ट बुक होगी या कोई मैगजीन वगैरह होगी, कोई नॉवेल वगैरह, तो उसके आगे जो फर्स्ट कवर होता है उसके अंदर फर्स्ट पेज पे लिखा होगा प्रीएम्बल, या तो सेकंड पेज पे लिखा होगा प्रीएम्बल। जैसे हमारी जो बुक होती है उसमें फर्स्ट पेज पे लिखा होता है प्रीफेस, जिसके अंदर लिखा होता है कि इंडिया इज़ माय कंट्री सो एंड सो। तो वैसा ही प्रीफेस मतलब एक तैयार किया गया था कि जहाँ पर हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल्स थे, ठीक है, ये सब चीज़ें थी, तो उनके लिए मतलब एक वहाँ पर कुछ लिखा गया है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये मतलब सभी कंट्रीज में अपना अपना रहता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रीएम्बल होता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इससे मतलब क्या है, कुछ टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रीएम्बल। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कुछ अलग कंट्रीज में ऐसे भी है जो मतलब प्रीएम्बल से स्टार्ट होते हैं। देखो ये रहा प्रीएम्बल, शॉर्ट प्रीएम्बल यहाँ पे दिया हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पर ये सबके मीनिंग यहाँ पर दिए हुए हैं, वो बताता हूँ मैं बाद में। तो देखो क्या लिखा है, लेट अस रीड द प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स कीवर्ड्स। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो प्रीएम्बल लिखा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ध्यान से पढ़ो और उसका जो वर्ड्स है, उसके जो वर्डिंग्स है, जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर सोवरेन, सोशलिस्ट, ये क्या क्या कहना चाहते हैं वो देखना है। द पीपल ऑफ द इंडिया, सॉरी, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोयम। क्या हुआ, चलो वेट करो थोड़ी देर, दो मिनट। अब अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, यार सॉरी, हमारे प्रीएम्बल को अगर हम देखने जाए तो इट लुक्स लाइक अ पोयम, ये किसी पोयम की तरह दिखती होगी, है ना प्रीएम्बल, लेकिन इट इज नॉट एनी पोयम, ये कोई पोयम नहीं है, ये एक प्रीएम्बल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज पे ही मतलब लिखा गया है। देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब इंडिया के लोगों ने ही बनाया था, ना कि किसी राजा ने, ना कि किसी आउटसाइडर्स ने बनाया था, इसीलिए इसको हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। देन आफ्टर हैविंग अ सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, और हम जो है वो मतलब हमारे इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं, सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है सोवरेन मतलब कि यहाँ के जो पीपल होते हैं उनके पास सुप्रीम राइट होता है, उनका एक अधिकार होता है, मतलब उनकी आवाज़ उठाने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ठीक है। पीपल हैज़ गॉट देयर ओन राइट टू राइज देयर वॉइस। तो ये सारी चीज़ें थी वहाँ पर। देन अ सोशलिस्ट, सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट मीन्स वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। सोशलिस्ट मतलब यही है कि हमारा जो समाज है, ठीक है, समाज को साथ में लेकर चलना है यहाँ पर, ठीक है, कोई जात की मतलब ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं रखना है। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर सोशलिस्ट में। देन आफ्टर सेक्युलर, सेक्युलर तो शायद सब जानते ही होंगे, व्हाट द सेक्युलर मीन्स, सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन्स। सेक्युलर मतलब जो भी पीपल है यहाँ पे उनके पास मतलब राइट होता है कि वो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, बट देर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। लेकिन यहाँ पर हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं था, कोई भी मतलब कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विथ इक्वल रिस्पेक्ट, और जो गवर्नमेंट है वो मतलब सारे रूल्स, सॉरी सारे क्या कहते हैं, बिलीव, सारे प्रैक्टिसेस को मतलब इक्वल रिस्पेक्ट देती थी, चाहे वो कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, सबको इक्वल
बिलीफ देते थे, सबको इक्वल राइट देते थे. देन डेमोक्रेटिक, व्हाट डज डेमोक्रेटिक मींस? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट. मतलब यहाँ पर डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि जो भी पीपल होते हैं दे हैव गॉट द इक्वल राइट, उनके पास सबके पास इक्वल राइट होते हैं. एंड इलेक्ट देयर रूलर्स, और मतलब अपने जो भी रूलर्स हैं रूलर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, मतलब जो भी इलेक्शन वगैरह होता है वो बात है. एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स. और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो मतलब हम सब जानते हैं वो मतलब कुछ बेसिक रूल के साथ चलती रहती है. ठीक है, अब गवर्नमेंट चलाना भी कोई छोटी बड़ी बात तो है नहीं, तो गवर्नमेंट चलाने के लिए भी कुछ बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स राइट्स भी होने चाहिए, देन ओनली यू कैन रन द गवर्नमेंट. देन आफ्टर नेक्स्ट इज रिपब्लिक. व्हाट इज रिपब्लिक? द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजिशन. रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब जो भी आप देख लो पीएम सीएम. वन मिनट, स्क्रीन लॉक हो गई. ओके सॉरी. रिपब्लिक मतलब, वन मिनट, ओके. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब जो भी आपके हेड ऑफ द स्टेट होता है, फॉर एग्जांपल आपके सीएम ले लो विजय रूपाणी जी, ठीक है, फिर दूसरे स्टेट के कोई सीएम होंगे वो ले लो, इज एन इलेक्टेड पर्सन. तो वो कौन है सब? इलेक्टेड पर्सन है अभी तो, जिसको हम इलेक्ट करके लाते हैं हमारे जो स्टेट है उसको चलाने के लिए. एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजिशन, मतलब ये जो है हेरिडिटरी वो मतलब वारसागत कहते हैं, और ये कोई वारसागत नहीं है कि अगर मान लो कोई राजा है तो उसका बेटा जो है वो वहाँ का सीएम बनेगा, ऐसा कुछ अभी है नहीं, अभी रिपब्लिक है. जस्टिस, जस्टिस मतलब इंसाफ. सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट रिलीजन एंड जेंडर. मतलब जो सिटीजन है उनको मतलब कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन एंड जेंडर. सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड. और जो भी सोशल इनइक्वालिटी, जो भी इनइक्वालिटीज होती थी, ठीक है भाई, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ये लोगों को मतलब कोई भी इनइक्वालिटीज नहीं चलेगी, कोई भेदभाव नहीं चलेगा, ये सबके बीच में सबको इक्वल रहना पड़ेगा. गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल स्पेशली ऑफ दिस एडवांटेज ग्रुप. और गवर्नमेंट को भी मतलब इनके लिए मतलब एक साथ मतलब एक समान रूल्स रखने पड़ेंगे ये सब. देन लिबर्टी, देर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन. लिबर्टी मतलब आज़ादी. तो यहाँ पर इंडिया में जो भी सिटीजन्स हैं उनको सोचने का राइट्स है, ठीक है, उनको जो भी काम करना है वो उनके पास राइट्स है. तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो है लिबर्टी. इक्वालिटी अगर देखें तो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. इक्वालिटी में क्या होता है कि जो भी है, जो भी पर्सन है वो लॉ के सामने क्या है, सब इक्वल है. द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड. और यहाँ पर जो भी ऊंच नीच चलती थी कास्ट रेस या रिलीजन के कंपेयर में वो सब खत्म हो जानी चाहिए थी इक्वालिटी में. द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. ये है इक्वालिटी का मतलब. फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. और हमें मतलब कैसे बिहेव करना चाहिए कि हम सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं. नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर. और मतलब हमें किसी भी बंदे को एकदम इन्फीरियर, मतलब एकदम बड़ा चढ़ा के, मतलब किसी को हमें ट्रीट नहीं करना है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही पेज में जो प्रीएम्बल कहते हैं वहाँ पर ये लिखा गया था, राइट, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट. सॉरी, ये तुम पढ़ लेना, जो जो वर्ड्स थे मैंने सब बता दिए तुम लोगों को मीनिंग, और नीचे तो कुछ लिखा नहीं गया यहाँ पर, खाली 26th day of November 1949 जब उसको एडॉप्ट किया गया था, और 26th January 1950 को उसको इम्प्लीमेंट किया गया था. अब
चलो इतना मैं बता देता हूँ, ये लास्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अराइज हो रहा है, वो पूछता हूँ मैं। ये देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, वन मिनट। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेरिली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसॉफी। मतलब अगर हम देखने जाते कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब कोई कागज में लिखा हुआ कोई टुकड़ा नहीं है, कोई फिलोसॉफी नहीं है कि दिमाग में आया ने लिख दिया। एज वी नोटेड अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज इन टू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। अगर हम देखने जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है, वो एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, मतलब हर एक वैल्यूज में, मतलब हर एक वैल्यूज का अंदर उसको उसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और इसके अंदर मतलब एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट भी है जिसे हम डिटेल डॉक्यूमेंट मतलब कहते हैं। एंड देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंजेस इन सोसाइटी एंड दे डिड नॉट सी इट एज अ सेक्रेड। और यहाँ पर यह है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है, मतलब इससे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है सबके लिए इक्वल राइट है, जहाँ पर सबके लिए सोवरीन है, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशलिस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। वन मिनट, मेरी लाइट चली गई, सॉरी। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर तुम कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके अंदर ये भी लिखा गया है कि जो मान लो कोई पीएम है, ठीक है, जो पीएम प्राइम मिनिस्टर है उसको मतलब कैसे इलेक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी लिखा गया कि किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए। एंड इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन बी वायोलेटेड। और यहाँ पर गवर्नमेंट के पास भी कुछ क्या है, सर्टेन लिमिट्स रखी गई है, कहीं कलूट के ये ना हो कि जो गवर्नमेंट है वो मतलब पब्लिक पे हावी हो जाए, तो उनके लिए भी कुछ सर्टेन लिमिट्स रखी गई है। द रिमेनिंग थ्री चैप्टर्स इन दिस बुक आर अबाउट दिस थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे के उसके जो तीन चैप्टर्स है वो भी मतलब इसके ऊपर ही डिपेंड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। वी शैल लुक एट सम कीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन ईच चैप्टर एंड अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब ये आगे कुछ है नहीं, ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में ही है। ये आगे जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे और आगे टेंथ में जो पढ़ने वाले हो वो कुछ उसके अंदर दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड योर चैप्टर।